नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर में। पिछले 3 दिनों में आतंकियों से हुए 2 एनकाउंटर में 3 अफसर और 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 1 जवान लापता है। बुधवार 13 सितंबर को अनंतनाग में मुठभेड़ के दौरान सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष ढोंचक और कश्मीर पुलिस के DSP हुमायूं भट्ट शहीद हो गए। कश्मीर में यह पिछले 3 साल में हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला है, जिसमें इतने बड़े अफसरों की शहादत हुई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी दी। हालांकि मुठभेड़ दूसरे दिन भी जारी रही। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक अनंतनाग में 1 जवान शहीद हुआ है, जबकि 1 लापता। आशंका है कि वह गंभीर रूप से घायल है। हमले की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा से जुड़े प्रतिबंधित संगठन रेजिस्टेंट फ्रंट ने ली है। पुलिस ने कहा कि अनंतनाग में लश्कर के 2 आतंकी छिपे हैं, जिन्हें सेना ने घेर लिया है। इनमें से एक नागम काकरनाग का रहने वाला उजेर खान है। उजेर पिछले साल जुलाई में लश्कर से जुड़ा था। आपको बताते चले कि राजौरी में सोमवार 11 सितंबर की रात को शुरू हुए एनकाउंटर में सेना के 2 आतंकी मार गिराए, जबकि राइफलमैन रवि कुमार शहीद हो गए। ये मुठभेड़ बुधवार देर रात को खत्म हुई। आपको बताते चले कि राजौरी में भी मंगलवार 12 सितंबर को एनकाउंटर के दौरान 1 जवान की मौत हो गई थी, 2 आतंकी मारे गए थे। यहाँ सर्चिंग के दौरान एक आर्मी डॉग की भी मौत हो गई, उसमें अपने हेडलर की जान बचाने के लिए खुद की जिंदगी दांव पर लगा दी। राजौरी में एनकाउंटर खत्म हो गया है। लगातार खबरों पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, TI न्यूज़।